क्या आपने कभी देखा है या सुना है कि किसी मंदिर में जाए और वहां आपको प्रसाद के रूप में सोने चांदी के आभूषण मिलते हो, मंदिर की सजावट भी करोड़ों रुपयों से की हो, मंदिर में जहां देखो वहां आपको सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपयों की बेशकीमती आभूषण ही दिखाई दे। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन यह सच है। धन की देवी माँ लक्ष्मी का एक ऐसा ही अद्भुत और अनोखा दरबार है जहाँ दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से पहुँचते हैं श्रद्धालु। आज आपको घर बैठे दर्शन करवाते हैं, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के बीचों बीच यह मंदिर, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, हजारों वर्ष पुराना महालक्ष्मी का मंदिर है। यूं तो यह मंदिर पूरे साल हर मंदिर जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन दीपावली के पहले यह मंदिर पूरे देश में चर्चा में आ जाता है। दरअसल महालक्ष्मी मंदिर को दीपावली के 5 दिन पहले से रुपयों के लड़ों से सजाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। मंदिर परिसर में आप जितना भी रुपये, सोना चांदी, बेशकीमती आभूषण देख रहे हैं, यह मंदिर की संपत्ति न होकर श्रद्धालुओं का है, जो कि दीपावली के पहले नगद रुपया, सोने चांदी के आभूषण मंदिर में विराजमान महालक्ष्मी जी का श्रृंगार के लिए छोड़ जाते हैं। दीपावली के बाद भाई दूज से श्रद्धालु को मंदिर से प्रसाद के रूप में वापस मिल जाता है। यहां पहुंचे हुए श्रद्धालुओं का मानना है कि दीपावली के 5 दिन जो रुपये जेवरात मंदिर में रखे जाते हैं, उनको अपने घर की तिजोरी में रखने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ पूरे वर्ष बरकत बनी रहती है। महालक्ष्मी के श्रृंगार के लिए श्रद्धालु जो रुपये जेवरात लेकर आते हैं, उसकी बकायदा एक रजिस्टर में एंट्री होती है। जो श्रद्धालु रुपए जेवरात जमा करवाते हैं, उसका नाम पता एवं फोटो लेने के बाद ही धन लिया जाता है। भाई दूज के अगले दिन से श्रद्धालुओं को उनका धन लौटने का काम शुरू हो जाता है। प्रत्येक श्रद्धालुओं को कुबेर की पोटली दी जाती है। शहर के बीचों बीच मंदिर होने के साथ मुख्य बाजार में है और करोड़ों रुपए की सुरक्षा करना लाजमी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार 35 जवानों का बल लगाया गया है, जो कि हथियारों से लैस होकर 24 घंटे तैनात रहेंगे। पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है। रतलाम से बलराम धमान की रिपोर्ट। प्रदेश का एक ऐसा मंदिर है जहां करोड़ों रुपए की केस नोटों से सजाया जाता है, जहां लाखों करोड़ों रुपए केस आपके सामने देख सकते हैं आप मेरे सामने, जो आप पूरा मंदिर नोटों से सजा हुआ है। और यहां की इस मंदिर की क्या विशेषता है, यहां के जो स्थानीय पंडित है, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे आखिर ये इसका मंदिर का क्या इतिहास है और क्या विशेषता है। क्या नाम है आपका? रामेंद्र नारायण। ये मंदिर की क्या विशेषता है जो यहाँ नोटों से, करोड़ों रुपए के नोटों से सजाया जाती है? ये प्रदेश का ऐसा पहला मंदिर है जो रतलाम में है, हिंदुस्तान में पहला मंदिर है। यहाँ की क्या विशेषता है, ये कब से मंदिर है? बरकत के लिए लेते हैं, जिससे कि सब उसके घर में दुगना हो जाए, ये दृष्टि से इसकी मान्यता है। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि मंदिर कब से है और इसकी क्या विशेषता है? साल पुराना मंदिर है। ये सजावट कब से हो रही है? ये जबी से हो रही है, पर अब ज्यादा विस्तृत हो रहा है 20-25 साल। सिक्योरिटी की तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था की जाए? शासन की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से अच्छी व्यवस्था है पुलिस की। ये जो केस नोट जो आते हैं, सोना चांदी जवाहरात आती है, सब मेंटेनेंस होता है। फोटो, मोबाइल नंबर, नाम सब लिखे जाते हैं, आप देख लीजिए। इनसे कब लिया जाता है और वापस इनको कब लौटा जाता है? इनके 5-6 दिन पहले लिया जाता है और दिवाली के 5 दिन बाद से देना चालू करते हैं। धन्यवाद। ये थे पंडित जी, जो यहाँ के मंदिर का जो इतिहास है और इसकी क्या विशेषता है ये हमें जानकारी दी। यहाँ के जो एक गहरी आस्था रखने वाले, वो भी आज हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश त्रिवेदी। अच्छा, आपकी कुलदेवी मानते हैं आप, क्या है खास माता जी की विशेषता? माता जी की विशेषता है कि यहाँ जब भी आते हैं तो कुछ भी खाली हाथ अपन नहीं जाते हैं, माँ आप लोगों को कुछ भी व्यवस्था करती है। वो पैसे कौड़ी रखते हैं हम हर साल दिवाली पे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मंदिर कब से है और इसका विशेष करके क्या इतिहास है, ऐसा क्यों है कि ऐसा देश में एक ऐसा पहला मंदिर है जो जहां देखो वहां केवल नोट ही नोट दिखाई देता है? वो विशेषता ये है कि लोगों की आस्था है ऐसी बनी हुई है कि भाई अपने यहाँ एक गड्डी रखेंगे, अगले साल अपन को यहाँ आएंगे 4 गड्डी मिलेगी माता जी के यहाँ, 4 गड्डी की 8 गड्डी हो जाएगी, हर साल दिन भी रात चौकड़ी बरकत रहती है। ये सजावट कब से शुरू हो जाती है और कब तक सजावट रहेगी? ये सजावट 1 तारीख से, मतलब इसे 8 दिन पहले चालू हो जाती है हमारी पूरी तैयारी, और दिवाली के 8 दिन बाद तक रहती है पूरी तैयारी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मतलब ये सिक्योरिटी के तौर पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ कितने लोगों की, किस तरह की सिक्योरिटी लगाई जाती है और किस तरह की व्यवस्था रहती है प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से 32 जने की ड्यूटी लगाई जाती है, 32 जने की ड्यूटी लगाई जाती है, दिन पाली रात पाली चलती है और पूरी चौकस
व्यवस्था रहती है पुलिस प्रशासन की। इस वक्त हम जान सकते हैं कि मंदिर में कितने कैश कितने पैसे होंगे? इसकी तो कोई जानकारी नहीं, पर अनगिनत है, मतलब अनगिनत है, अनगिनत है। ये तो ये CCTV भी लगाए गए हैं और पुलिस के जवान भी लगे हैं, इस प्रकार से यहाँ के सिक्योरिटी की गई है। धन्यवाद। ये थे यहाँ के जो गहरी आस्था रखने वाले, जो इन्होंने बताया कि आज हमारे साथ जो श्रद्धालु जो महिला भी हैं जो यह दर्शन कर रही हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँची हुई महिला है। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, कहाँ नाम है आप? अरुणा। कैसा लग रहा है आप मंदिर? बहुत अच्छा है मंदिर। कब से आ रहे हैं आप दर्शन करने? मेरे को तो काफ़ी छोटे से बड़ी हो जब से आ रहे हैं हम लोग। ये देश में एक ऐसा पहला मंदिर है जहाँ नोटों की सजावट होती है, आपने इस ऐसी कई स्थान कहीं दूसरी जगह देखा? नहीं नहीं देखा। धन्यवाद। ये थे जो यहाँ के रतलाम में एक प्रसिद्ध मंदिर महालक्ष्मी का, जहाँ करोड़ों रुपए की सजावट से मंदिर की सजावट होती है। इनका यह मान्यता है कि यहाँ पे नोटों और रखने से एक बरगद मिलता है। मेरे साथ कैमरा पर्सन चंद्रशेखर चौहान के साथ बलराम धवन, दबंग न्यूज़ रतलाम।